एक बोल लेते हैं, उसमें डालेंगे 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क, फिर उसमें 2 छोटी चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से ईस्ट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब इसमें एक इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे, या तो आप 1 7 ग्राम का पैकेट आता है वो डालें, और या तो 2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून ईस्ट डालें और उसको अच्छे से स्टर कर दें, जिससे कि ईस्ट अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए, और उसको एक गर्म जगह पे रख दें। ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी और ऊपर झाग हो जाएगी। झाग आने के बाद उस बोल में आप 3 कप मैदा ऑल पर्पज फ्लावर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, नॉट द आयोडाइज, और उसको इस छन्नी से स्टर करना। इससे जो भी लम्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इसको किचन एड की हेल्प से इस डो को नीट करें। मैंने स्लो टू मीडियम स्पीड सेट करके रखी हुई है, और इसमें आप जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप बीच में इसमें थोड़ा सा 1/4 कप से थोड़ा कम दूध डालें और 2 चम्मच बटर। मैं प्लास्टिक स्पैचुला से साइड्स को स्क्रेप करती हूँ, जिससे सारा आटा एक तरफ बीच में इकट्ठा हो जाए और वो हुक में जाके फंस जाएगा डो जो है। सो दैट विल हेल्प टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म डो। मशीन डज अ गुड जॉब ऑफ मेकिंग द डो। आप हाथ से भी बना सकते हैं, मेरे पास मशीन है तो मैं इससे बनाती हूँ। सो वंस यू ऐड द बटर, एक सॉफ्ट डो बन जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा वेटिश रहता है, विच इज़ ओके। अब इसको इस बोल को एक क्लिंग रैप से कवर कर देंगे, और यू कैन पुट अ लिड टू द बोल, और इसको हम लोग एक वार्म प्लेस में रख देंगे फॉर 1 आवर। इतने इस 1 घंटे में ये डो फूल के डबल हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ आफ्टर द डो हैज़ रिज़न, इसको पंच करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। जस्ट पंच इट नंबर ऑफ टाइम्स, और इसका एक बॉल बना लेंगे, एंड बॉल बनाने के बाद इसके हम लोग 12 छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आप एक नाइफ के हेल्प से भी इसके पीसेस कर सकते हैं। मेरे पास एक स्पैचुला था, मैंने उससे किया, बट यू डोंट हैव टू यूज स्पैचुला, यू कैन यूज अ नाइफ एज वेल। इसके पहले मैंने 4 हिस्से किए, फिर हर हिस्से के मैंने 3 हिस्से किए, सो इन टोटल 12 बॉल्स बनेंगे। Just smoothen the ball
इंडिविजुअली इसको उसके पीसेस करके उसको थोड़ा स्मूदिंग कर दें। Now I'm using knife to cut to divide the balls. And that mat जो दिख रहा है जिसके मैं कट, that's very helpful. इससे डो स्टिक नहीं करता है। अब हर इंडिविजुअल बॉल को हमें एक अलग तरह से रोल करना होता है, which you can see in the video. ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे सब में ऐसे ही रूल किया। आई थिंक आई डोंट नो, मे बी दिस मेक्स द बंस फ्लफी, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ एवरीवन वाज डूइंग इट, सो आई डिड द सेम। वंस ऑल द बॉल्स आर रोल्ड, बेकिंग डिश को इसको ग्रीस कर देंगे। फिर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया और फिर मैंने ऑलिव ऑयल, बटर और एनी ऑयल, कोई भी तेल लगा के इसको ग्रीस कर देंगे। फिर जो बॉल्स बनाए थे उनको अरेंज कर देंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ें, बिकॉज ये अभी और फूलेंगे बॉल, so they will just come together. And अब इसको ढक के एक गर्म जगह इसको 30-40 मिनट तक ढक के नहीं रख देंगे एक गर्म जगह पर, और balls will, you know, again they will rise, फिर से double हो जाएंगे अपने size का। फिर हम लोग एक मिल्क एंड शुगर का वॉश बनाएंगे और हर एक बॉल के ऊपर इस मिल्क एंड शुगर मिक्स को ऐसे स्प्रेड करेंगे। इससे बंस में गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा आता है। बी केयरफुल व्हेन यू पुट दिस वॉश, यू डोंट वांट टू put lot of pressure. ज़्यादा pressure लगाने से balls में से जो air trap की है वो निकल आएगी बाहर, तो ball bun stick से फूलेंगे नहीं। फिर तो दस हल्के हाथ से milk and sugar mix को brush कर लेंगे। We are ready to go in the oven at 355 degrees Fahrenheit. For 25 to 30 minutes. Once the buns are baked, उसको हम एक गीले कपड़े से कवर कर देंगे for 10 minutes. And after that, buns के ऊपर एक बटर की लेयर लगाएंगे and we will cool it and we will separate the buns. And they are ready to enjoy.